जो लोग कहते हैं ना मैं मनुष्य हूँ, ये सच है, लेकिन वो लोग बोलते हैं उनके लिए मैं मनुष्य, ये मैं नहीं मानती, क्योंकि मेरी वजह से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, मेरी वजह से कोई नीचे नहीं गया, मेरी वजह से किसी ने घाटा नहीं खाया, मैं खुद को इसलिए मनुष्य मानती हूँ। जब से मैंने होश संभालिए कुछ ना कुछ मैंने करती रही है, क्योंकि भगवान तो बोले हैं कर्म करो, मैं कर्म करती हूँ, मैं हारती नहीं हूँ, मैं थकती नहीं हूँ। मैंने भगवान के भरोसे बस या तकदीर के भरोसे हाथ पर हाथ रख के मैंने कभी नहीं बैठी, मैं हमेशा कुछ ना कुछ करती रही। लेकिन मजाल है कभी तकदीर मेरे साथ दे दिया हो तो, कभी तकदीर मेरे साथ नहीं दी। मनुष्य की बात को मतलब सुनने के लिए तो अच्छा नहीं लगता, मतलब खाने के नीचे झंझना बचता है, लेकिन सच तो यही है, नहीं तो कभी ना कभी तो हमें सक्सेस मिल ही जाता, कभी नहीं मिले। जब से हो से समाज कुछ ना कुछ कर रही है, इसे चुपके नहीं बैठे। जब मेरा बच्चा 4 साल का था तो थी मेरी कुछ मजबूरी, तो मैं गांव गई थी मेरे बच्चा को लेके। जाने के बाद मैंने सोची क्या करूँ, मैं कुछ ना कुछ तो मुझे करना पड़ेगा, ये सोच के भैया से बात की। मैं बोले मुझे एक चिकन फार्म करना है, भैया बोले ठीक है। वैसा सब कुछ उनका था, पाइपलॉग फिश फार्म के बारे में आप लोग तो मालूम होगा, वो बोले वो भी करो ये भी करो, हम सारे पैसा दे देंगे, तुम लोग लगा के भी करो। पैसा जितना था उनका था, लेकिन जितना तकलीफ वो सब कुछ मेरे ही थी। वो मैंने फिश फार्म स्टार्ट की, एक दिन के बाद चिकन फार्म बन रहा था, तो मैं हमेशा सोचती थी, वो हेडमिस्त्री आता था घर बनाता था, उसके साथ मजदूर आते थे लेबर आते थे, मैं भगवान को प्रेयर करती थी एक दिन ऐसा कर दो भगवान कि मिस्त्री आ जाए लेकिन मजदूर ना आए, मैं उस दिन वही काम कर लूँगी, मुझे इजी लगता था कि कर लूँगी मैं। ऐसा नहीं कि मेरे पास पैसा नहीं था, घर वाले नहीं दे रहे थे, सब कुछ दे रहे थे, लेकिन मुझे खुद का पैसा चाहिए था। एक दिन ऐसा हुआ वो मिस्त्री आया हेडमिस्त्री, लेकिन उसके साथ कोई मजदूर नहीं आते, मैं बोली मैं कर लेती हूँ हेल्प, आप कीजिए मैं हेल्प कर देती हूँ। वो मतलब आश्चर्य होगी तुम कैसे करोगे घर के मार के लियो, मैं बोले कोई बात नहीं, मैं ये मामले से काम है मैं कर लूँ। और वो मुझे ये आइडिया था मुझे वही पैसा लेना है, चाहे 250 हो लेकिन मेरा पैसा मुझे चाहिए, मेहनत का पैसा मुझे चाहिए, मेरा 250 मुझे चाहिए, मुझे किसी का 2.5 करोड़ नहीं चाहिए, वो दूसरों का पैसा मुझे नहीं चाहिए। घर वाले सब कुछ दे रहे थे, भैया सब कुछ दे रहे थे, लेकिन वो जो खुद कमा कर जो पैसा है ना, वो जो खुशी वो शायद सबको समझ में नहीं आएगी, लेकिन मुझे वही वाला खुशी चाहिए था, चाहे 1 रुपये हो। मेरी आदत अलग है, मैं अपना 2.5 पैसा किसी को नहीं दूंगी, किसी का 2.5 करोड़ नहीं लूंगी, जो है मेरा है, नहीं है तो नहीं है, क्या फर्क पड़ता है। मुझे दूसरों से नहीं लेना, मुझे पसंद नहीं है किसे भीख मांगना, किसे हाथ फैलाना, किसे मांगना, किसे चीटिंग करके लेना, ये मुझे पसंद नहीं है। लेकिन ये मैं बोलना चाहती हूँ, घर वाले दे रहे थे, ब्याह दे रहे थे, सब कुछ देख रहे थे, फिर भी मैं मतलब वही मैं कर ली, पहले कर ली, भैया से नहीं बोली। वो एक दिन मैंने मजदूर का काम कर लिया, वो पैसा मैंने ले लिया, भैया बहुत गुस्सा हुए, हम तो पैसा दे रहे तुम क्यों करो, आज काम बंद कर देते, तुमको करने की क्या जरूरत थी। मैं बोली कोई बात नहीं, वो मेरा फार्म बन रहा है, मैं खुद ही करूँगी तो भगवान खुश हो जाएंगे, वो इतना कर रहा है भगवान तो देखेंगे ना, ये सोच के मैंने किया, एक तो पैसा आएगा ऊपर से वो मेहनत देखेंगे तो भगवान तो मतलब आशीर्वाद देंगे ही देंगे, ये सोच के मैंने स्टार्ट की। सब कुछ खुद ही कर रही थी, मेरा बच्चा तो मतलब छोटा छोटा चिक्स को देखे बहुत खुश हो जाता था, वो जब इंजेक्शन देती थी मैं वो पकड़ के लाके मुझे देता था, मम्मी लो एक एक मुझे देता था, हेल्प करता था मेरी, एक एक चिक्स मेरे हाथ में देता था, मैं उसके आँख में इंजेक्शन देते हैं ना वो चिक्स के, जो चिकन फार्म करते हैं उनको मालूम है, और मेडिसिन वगैरह सब कुछ वो मेरी मदद करता था। मेरा बच्चा बहुत खुश होकर वो देखता था ऐसे दौड़ के जा रहे, वो खुशी से पकड़ रहा था, ऐसे मेरी मदद कर रहा था वो। ऐसे करते करते 1 महीना हो गया, वो मैं हमेशा भगवान को प्रेयर करती थी किसी एक का डेथ नहीं होना चाहिए क्योंकि मुझे लॉस हो जाएगा, फाइनल किसी को एक भी नहीं मरे, लेकिन हमको इसलिए लॉस हो गया, हमसे लोग मान लीजिए 60 रुपये में खरीद रहे थे, लेकिन काट के उसको 150 रुपये में बेचते थे,
मुझे कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। एक वो ये सलाह दे रहे थे, मतलब तुम भी किसी एक के लाके इधर रखो, वो भी काट के बेचेगा। लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा था, मैं वेजिटेरियन हूँ इसके लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जानवर के जो प्रति है ना मेरी वो दया भाव है, मेरी मजबूरी थी, मतलब वो ये करना, मेरा दिल नहीं मान रहा था। पहले जब मैं जाती थी खाना दिलाने के लिए, पानी पिलाने के लिए वो चिकन फार्म में, वो सब लोग दौड़ के आ जाते थे मेरे पास, मतलब आ रही है खाना भी देगी हमको पानी देगी, तो खुश हो जाते थे। जैसे मैंने एक को बेचा, मुझे देख के सब भागे, डरने लगे, इधर उधर भागने लगे। जैसे मैं राक्षस हूँ, उनको मालूम पड़ गया हमारा जिंदगी खत्म होने वाला है। अभी मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ, मोटा मोटा हो, बहुत ज़्यादा वेट हो, हमको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो, जल्दी जल्दी लोग आए इसको लेके जाए, ऐसे मैं सोच रही थी। लेकिन जैसे मैंने एक को बेचा, मुझे बड़ा रोना आया, क्या जिंदगी यार, एक महीना डेढ़ महीना में उनका जिंदगी है, मैंने खुद ही छोटे से बड़े किया, अभी मैं पागल हो रही हूँ उनके जान के पीछे, मतलब कोई आए उसको लेके मार के काट के खाए, मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन मुझे पैसा चाहिए, ऐसे सोच रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे गलत लग रहा था, और मैं सोच रही थी मनी मन एक बार मुझे प्रॉफिट हो जाएगा तो फिर मैं ये काम छोड़ दूंगी, कोई दूसरा सोचूंगी, मैं कुछ दूसरा कर लूंगी। ऐसे करते करते मैंने सारी बेच ली, लेकिन फाइनल मुझे कोई मुनाफा नहीं हुआ, कोई प्रॉफिट नहीं हुई। तो चिकन फार्म के साथ मैं वो बायफ्लोक था, फिश फार्मिंग कर रही थी, ट्रेनिंग ली थी मैंने उधर। उधर मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन था, एक तो मेरा बच्चा छोटा था, वो उसको कोई खिला नहीं सकता, मेरे सिवा कोई खिला नहीं सकता उसको, वो एक दो स्पून खाएगा तो दो घंटा ऐसे लगाएगा, बहुत ड्रामा करेगा खाने के लिए। उधर मैं चिकन फार्म में जाती थी, उनको देखती थी, मेरा बच्चा को देखती थी, और साथ में फिश फार्मिंग देख रही थी। उधर ज़्यादा टेंशन है, मतलब ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन की वजह से वो तो जिंदा रहते हैं मछली, वो चेक करना पड़ता है ऑक्सीट्यूब किधर कम आ रहा है किधर ज़्यादा हो रहा है, ऑक्सीट्यूब कम आ रहा है तो क्यों कम आ रहा है उसको क्लीन करना पड़ता है, नहीं तो नया डालना पड़ता है, नया लगाना पड़ता है। किधर मछली मान लो एक मर गया, उसको निकालना पड़ता है, मछली क्यों मर गया, उसको कलर नीला था या येलो कलर हुआ था, उसका मुँह खोल के मरा था या पेट में खाना था या डाइजेशन हो गया था, पेट फूल के मर गया था, सब कुछ रिसर्च करना पड़ता था, क्योंकि उसी के हिसाब से वो मेडिसिन है, मेडिसिन देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मतलब मर गया तो छोड़ देना है, फटाफट निकालना है, नहीं तो दूसरे मछली को इन्फेक्शन हो जाएगा, किसी को घाव हो जाएगा तो उसके लिए कौन सा मेडिसिन देना है, सब कुछ मतलब ध्यान लगाना पड़ता है। और कभी कभी क्या होता था, साइक्लोन आ जाता था, साइक्लोन की वजह से 3-4 दिन से करंट नहीं आता था, वो करंट की वजह से वो तो जिंदा रहते हैं, करंट नहीं आता था तो ऑटोमेटिक उधर सिस्टम है, मतलब सोलर और इन्वर्टर कनेक्टेड है, लेकिन वो नहीं चलेगा, वो अगर 24 घंटे बारिश होगा तो वो कैसे मतलब सोलर जलेगा, करंट नहीं रहेगा तो इन्वर्टर कैसे काम करेगा। तो क्या करते थे, मैं उस टाइम में जनरेटर को ऑन करना पड़ता था, मैं खुद ही करती थी, लेकिन कभी कभी जनरेटर स्टार्ट नहीं होता था, वो सडन के करना है, एक मिनट नहीं छोड़ना, एक मिनट ही छोड़ने से वो सारे मछली आके एक जगह में मुंह खोल के ऐसे करते थे, ऊपर जंप करेंगे, उनको ऑक्सीजन शॉर्ट हो जाएगा तो ऊपर जंप करेंगे, ऐसे करके मर जाएंगे। मेरा बच्चा भी बहुत मदद करता था मेरी, मैं बोलती थी बाबा करंट चला जाएगा तो मुझे सडन से बोलना, क्योंकि मैं किधर टीवी देख रही होंगी, मोबाइल देख रही होंगी, कुछ कर रही होंगी, मुझे वो याद ही नहीं रहेगी, तो मुझे हेल्प करना। वो सडन के किधर भी खेलेगा, कुछ भी करेगा, वो फुल एक्टिव है, वो सडन के बोल देता है मम्मी करंट चला गया। लेकिन जो मछली को प्रॉब्लम होता था, जो एक जगह में कभी कभी करंट जनरेटर मान लो केरोसिन ख़त्म होने वाला है या जनरेटर स्टार्ट नहीं हो रहा है, रात के टाइम में वो मछली ऐसे ऐसे जंप करे एक जगह में ऊपर ऊपर ऐसे कर रहे, उनको देख के बहुत रोना आता था, मतलब सारे मछली अभी मर जाएंगे तो सारे के सारे, 1-2 लाख की बात नहीं है, लाखों लाखों उधर खर्चा हुआ है, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, ऊपर से इतने सारे मछली मर जाएंगे। वही सोचती थी मैं, बहुत ज़्यादा टेंशन होता था, नींद नहीं आता था। मेरी मम्मी बोलती थी आके सो जाओ, ऐसे देखने से कुछ नहीं होगा, भगवान को बस प्रेयर करना है करंट जल्दी आ जाए, लेकिन नींद नहीं आती थी, मानो हमको हार्ट अटैक आ जाएगी, इतना डर होता था। लेकिन उसमें भी हमको धोखा मिल गया, वो भी हमारी साथ नहीं दी, वो कहते हैं
सपोज जानवर का फीस है वो जानवर में छोड़ना है, जानवर की फीस में अगर आप मार्च में छोड़ेंगे तो फीस नहीं बढ़ेंगे, ऐसे वाला हमारे साथ वो चीट किया था वो मछली वाला, तो हमारा ठीक से बढ़ा नहीं तो हमको घाटा हो गया। ये बात अलग है, सारे पैसे भैया के थे, मैंने एक रुपये नहीं दी थी, लेकिन मुनाफा होता तो भैया तो इसके लिए किए थे, मतलब हम ये करेंगे वो करेंगे, तुम करो प्रॉफिट ये करना प्रॉफिट में वो करना, तुम सब कुछ देखो बाद में हम बड़ा करके करेंगे, क्योंकि मेरी तो औकात थी नहीं, मेरी तो ऐसे थी नहीं, मतलब मैं कुछ बिजनेस स्टार्ट करूँ कुछ करूँ, तो फुल वो हेल्प करते थे, लेकिन उधर भी मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं आज तक कोशिश ही करते रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मजा ले कभी किस्मत ने मेरे साथ दे दिया तो कभी नहीं दी किस्मत ने, फिर भी मैंने भरोसा नहीं छोड़ा, ना तो कोशिश करना छोड़ी है, देखते हैं आगे क्या हो रहा है। बाहर के भरोसे बैठे कुछ होगा तो होगा, नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं, रखते हैं, बाय।